रूस यूक्रेन युद्ध की आग जितनी पुरानी हो रही है उतनी ही खतरनाक भी हो रही है। 2.5 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध में यूक्रेन पश्चिमी मदद के सहारे रूस पर हमलावर है। अब तक अपने दम पर लड़ रहे रूस ने यूक्रेन को जंगी मैदान में बैकफुट पर धकेल रखा था, मगर हाल में रूस के कुरस्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त हमला कर पुतिन को झटका दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक इसमें काफी उतार चढ़ाव भी आया है। सैनिकों की बड़ी संख्या में कमी ने यूक्रेन को रूस के मुकाबले पीछे धकेला है। जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सैनिकों की बंपर भर्ती की योजना बनाई। खास तौर पर पुरुषों के लिए अनिवार्य भर्ती पर जोर दिया गया, जिससे हजारों यूक्रेनी लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैदान में उतर सकें। बावजूद इसके यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर देने में काफी संघर्ष कर रहा है। यूक्रेनी सेना को लोगों की जरूरत है और आर्म्ड फोर्स में कई पद ऐसे हैं जहां व्यक्ति का लिंग कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे में 45,000 से ज्यादा महिलाएं यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स में शामिल हैं, जो पुरुषों के साथ जंगी मैदान में सर्विस दे रही हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इस साल 8 मार्च 2024 को बताया था कि यूक्रेन के आर्म्ड फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। जनवरी 2024 तक 45,000 से ज्यादा महिलाएं यूक्रेनी सेना में सेवारत हैं। साल 2014 में रूसी हमले के दौरान महिला सैनिकों की संख्या करीब 16,000 से ज्यादा थी। वहीं साल 2023 में महिला सैनिकों की संख्या लगभग 43,000 से ज्यादा थी। वर्तमान में सेना में सेवारत महिलाओं में से करीब 13,000 से ज्यादा लड़ाकू भूमिकाओं में हैं, तो वहीं 4,000 से अधिक महिला रक्षक वर्तमान में युद्ध में तैनात हैं। युद्ध के मैदान में बड़ी भूमिका निभा रही यूक्रेन की महिला सैनिक सिर्फ रूसी सेना की चुनौतियों का सामना नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें सेना के भीतर भी लैंगिक रवैये से जूझना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला सैनिकों पर फब्तियां कसी जा रही हैं, उन्हें घर के काम करने की हिदायत देकर दुत्कारा जाता है, तो वहीं कई महिला सैनिकों ने दावा किया कि महिला सैनिकों पर पति ढूंढने के भी आरोप लगाए जाते हैं। रूस के खिलाफ युद्ध में फंसे यूक्रेन को बचाने के लिए महिला सैनिकों को वर्दी तक नहीं दी जाती है, उन्हें पुरुष सैनिकों के ही कपड़े थमा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बाजार में भी महिला सैनिकों की वर्दी नहीं मिलती है। महिला सैनिकों ने खुलासा किया कि उन्हें पुरुष सैनिकों के अंडरवियर से लेकर बड़े जूते पहनने पड़ते हैं। बता दें कि यूक्रेन की आम महिलाओं को बतौर सैनिक भर्ती नहीं किया जाता है, मगर यूक्रेन के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए कई महिलाएं इसमें बदलाव चाहती हैं। कई महिलाएं अपने शहीद पतियों का बदला लेने के लिए जंगी मैदान में उतरने को बेताब बैठी हैं। यूक्रेनी महिलाओं का मानना है कि रूसी कब्जे का मतलब है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति का खत्म होना। रूस का साफ मकसद है कि यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से हटा देना। ऐसे में कई महिलाएं पहले से ही सैन्य सेवा की मूल बातें सीखने के लिए ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं।